हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायास हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको झंडू ब्रांड के पॉल्यूशन शील्ड टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये टैबलेट आपके बॉडी को, आपके शरीर को किस तरीके से फायदा देती है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज, इन सब के बारे में। तो गाइस यदि आप अपने शरीर को पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, संक्रमण से शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, एलर्जी से, पॉल्यूशन से होने वाली जो एलर्जी है उससे अपने शरीर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात कर लेते हैं झंडू ब्रांड के पॉल्यूशन शील्ड कैप्सूल के बारे में, टैबलेट के बारे में, जिसकी पैकेजिंग के अंदर गाइस 60 टैबलेट प्रेजेंट है, जो कि गाइस आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है, संक्रमण से शरीर को बचाने में मदद करेगी, और जो प्रदूषण के कारण जो शरीर पर इफेक्ट पड़ते हैं, गलत गलत प्रभाव पड़ते हैं, हानिकारक साइड इफेक्ट होते हैं, उनसे आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। एंटी एलर्जिक, एंटी ऑक्सीडेंट, रोगाणुरोधी के रूप में गाइस ये काम करती है, जो कि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ रक्षा करने में मदद करेगी। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए, बल्कि आपके शरीर को हेल्थी और स्वस्थ बनाने में मदद करती है। इसके अंदर गाइस इंग्रेडिएंट के रूप में है तुलसी, अशुगंधा, वासा, आमलकी, गुडची, हरित का, कांताकारी से समृद्ध गाइस इसके अंदर जड़ी बूटियों से मिलकर बने हुए इंग्रेडिएंट हैं, जो कि गाइस संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने का काम करेंगे। डोज की बात करें तो डेली गाइस अपन को एक टैबलेट लेनी है। कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवर डोजेस लें। गाइस यदि आप पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं या फिर आप पहले से अन्य प्रकार की दवाई या टैबलेट को इस्तेमाल में ले रहे हैं, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इसका इस्तेमाल नहीं करना, ना ही आपको ओवर डोजेस लेना है। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। 60 टैबलेट्स गाइस आपको 754 रुपए में मिलेंगी, जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, इस कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसके मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, तो ऑब्वियसली बात है गाइस उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। तो गाइस यदि आप अपने शरीर को पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगी, तो एक बार आप इसे इस्तेमाल में लेके जरूर देखें। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे, और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।